आपको बताएंगे कि आज की कौन सी खबर सुर्खियां बनी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार, लोकल प्रशासन, पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। हमारे संवाददाता रजत सिन्हा की ये खास रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके लिए सुल्तानपुर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में वायुसेना का एयर शो भी होगा। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के मद्देनजर कई एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की थी। उसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे। लखनऊ के सुल्तानपुर रोड से शुरू हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा होगा, जो गाजीपुर तक जाएगा। एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कुल 4,377 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। 22,497 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मील का पत्थर साबित होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया गया है, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 लेन का किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ से गाजीपुर का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षित सफर के लिए एक्सप्रेस वे पर एडवांस ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर में कूड़े भार के नजदीक 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। लोकार्पण को लेकर आयोजित समारोह में लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर रनवे पर उतर कर फिर उड़ान भरेंगे। इसी क्रम में वायुसेना की ओर से पहली बार राफेल को किसी एक्सप्रेसवे पर उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश की जनता को देंगे। इस आयोजन के जरिए सरकार प्रदेश में विकास के साथ भारत की बढ़ी सैन्य शक्ति का संदेश भी देने की कोशिश करेगी। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ सारा समय के लिए प्रधानमंत्री